सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक ज्ञान टेक में। दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आई एम पवन और आप देख रहे हैं टेक ज्ञान टेक। दोस्तों आज आपको बताने वाले हूँ किस तरीके से आप अपनी इंस्टाग्राम जो कैटागरी है उसको चेंज कर सकते हो। हाँ दोस्तों, जैसे कि यूट्यूब में कैटागरी होती है कि आप किस कैटागरी का वीडियो बनाना चाहते हो, जैसे टेक का वीडियो बनाना चाहते हो, अनबॉक्सिंग की कैटागरी रखना चाहते हो, ब्लॉगर बनना चाहते हो, म्यूजिशियन बनना चाहते हो, या आप कॉमेडी का कैटागरी रखना चाहते हो, तो जिस कैटागरी में आप बस वीडियो को रखेंगे उसी कैटागरी को आपको वीडियो बनाना पड़ेगा। इसी टाइप से इंस्टाग्राम भी होता है। इंस्टाग्राम में आप किस कैटागरी का वीडियो बनाना चाहते हो उसी कैटागरी का आपको कैटागरी रखनी पड़ेगी। तो जैसे कि मेरा टेक चैनल है तो मुझे इंस्टाग्राम पे अगर मुझे वीडियो वगैरह कुछ भी अपलोड करना हो तो मैं टेक कैटागरी में रखूँगा। तो इसी तरीके से बहुत सारी इंस्टाग्राम में कैटागरी होती है। इस तरीके से देख सकते हैं इंस्टाग्राम में बहुत सारी कैटागरी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आप किस कैटेगरी का वीडियो बनाते हो, आप किस कैटेगरी में अपने वीडियो को रखना चाहते हो, तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपका वीडियो वायरल नहीं होता है। जब आपका वीडियो कोई कैटेगरी में नहीं होता तो वीडियो आपका वायरल नहीं होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है। इसी टिप्स के आपका वीडियो वायरल भी हो सकता है अगर आप उस कैटेगरी को चेंज करके जिस कैटेगरी में आप वीडियो बनाना चाहते हो उस कैटेगरी में वीडियो बनाएंगे तो 100% आपका वीडियो वायरल होगा। जैसे कि मेरा टेक का चैनल है, अब मैं इंस्टाग्राम के टेक के वीडियो डालता हूँ तो मैं उसी टेक्नोलॉजी कैटेगरी में अपने वीडियो रखूँगा तब जाके मेरे वीडियो वायरल होंगे। तो जैसे कि आप अगर म्यूजिक का वीडियो बनाते हो या कोई डांस का वीडियो बनाते हो तो आपको डांस के ही कैटेगरी रखना पड़ेगा तभी आपका वीडियो वायरल होगा, अन्यथा आपका वीडियो वायरल नहीं होगा। अगर आप ब्लॉगर हो तो आप अपना ब्लॉगिंग चैनल बनाते हो, ब्लॉगिंग हर जगह की बातें बताते हो, तो आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम जो कैटेगरी है उसको आप ब्लॉगर में रखना पड़ेगा। अगर आप उसको ब्लॉगर में नहीं रखोगे तो आपका वीडियो कभी भी वायरल नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हमें किस टाइप की कैटेगरी वहाँ पे मिलने वाली है और आप किस कैटेगरी का वीडियो बनाते हो, आप किस कैटेगरी में अपने वीडियो को रखना चाहते हो, और ये मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको चेंज करना है। तो चेंज करना है और रखना है ये पूरी डिटेल हम चलेंगे अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और आपको दिखाएंगे किस तरीके से आपको अपनी कैटेगरी चेंज करनी है। तो जो भी व्यूअर हमारे चैनल से नया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि न्यू वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। मैं दोस्तों डे बाय डे आपको एक न्यू जानकारी प्रोवाइड करा रहा हूँ जिसके माध्यम से आप एक नई जानकारी सीख सकते हैं और नई जानकारी के साथ जुड़ सकते हैं। इसलिए चैनल को लीजिए सब्सक्राइब ताकि आगे चल के आपको नई जानकारी प्रोवाइड हो सके। फिर दोस्तों चलेंगे मोबाइल के स्क्रीन पर, आपको दिखाएंगे हाउ टू चेंज योर कैटेगरीज इन इंस्टाग्राम। तो चले चलते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट पर, आपको दिखाते हैं हाउ टू चेंज योर कैटेगरी। यहाँ देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो मोबाइल के स्क्रीन पर आने के बाद डायरेक्ट हम चलते हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे। तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन कर लिया है। तो इस तरीके से सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, डायरेक्ट जाना होगा अपनी प्रोफाइल में। तो डायरेक्ट हम चलते हैं प्रोफाइल में। तो प्रोफाइल में जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस देखने को मिल जाएगा जहाँ पर ये सब आपको दिखाई पड़ जाएंगे। तो दोस्तों ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है और जो मुझे यहाँ पे जो एंटरटेनमेंट कैटेगरी मैंने रखा हुआ है तो मैं यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह पोस्ट करता रहता हूँ मोटिवेशनल। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर एक आपको एडिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, इसी एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे कि हम एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इंटरफेस देखने के बाद डायरेक्ट आपको एक यहाँ पे चीज़ देखने को मिल जाए जहाँ पर लिखा होगा कैटेगरीज करके। और यहाँ पे जो मैंने अपनी वीडियो को रखा है, जो मेरा कैटेगरी है वो आर्ट्स और एंटरटेनमेंट की कैटेगरी है। तो आपको क्या करना होगा, जैसे कि आप यहाँ पर कैटेगरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने बहुत सारे कैटेगरी आ जाती है। यहाँ पर लिखा होगा व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब यू, आपकी कैटेगरी क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारी कैटेगरी आ रही हैं। जैसे आप एक आर्टिस्ट हैं तो आपको आर्टिस्ट की कैटेगरी रखनी, अगर आप म्यूजिशियन हैं तो म्यूजिक की कैटेगरी रखनी, अगर आप ब्लॉगर है वीडियो बनाते हैं तो ब्लॉगर में रखना होगा, अगर आप क्लोथिंग की एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो आप क्लोथ्स में रखना होगा। उसके बाद अगर आप कम्युनिटी की कुछ करते हैं तो कम्युनिटी में रखना, डिजिटल क्रिएटर हैं तो आपको क्रिएटर में अपना रखना होगा। एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं तो आपको एजुकेशन में रखना होगा, एंटरप्रेन्योर में रखना चाहते हैं तो एंटरप्रेन्योर में रख सकते हैं। हेल्थ और ब्यूटी की वीडियो बनाते हैं तो आपको हेल्थ और ब्यूटी में रखना होगा। उसके बाद आप एक एडिटर हैं तो आप एक एडिटर में रखना होगा। अगर आप एक राइटर हैं तो आपको अपनी कैटेगरी राइटर में रखनी होगी। पर्सनल ब्लॉग मतलब पर्सनल ब्लॉग अपने बारे में बताते हैं तो आपको पर्सनल ब्लॉग में रखना है। कोई प्रोडक्ट और सर्विस आप सेल करते हैं तो आपको प्रोडक्ट और सर्विस में रखना पड़ेगा। उसके बाद और भी कैटेगरी यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जैसे गेमर हैं तो आपको गेम की कैटेगरी रखनी है। अरे आपका कोई रेस्टोरेंट है तो आप रेस्टोरेंट की वीडियो बनाते हैं तो आपको रेस्टोरेंट में अपनी कैटेगरी रखनी है। या ब्यूटी कॉस्मेटिक पर्सनल केयर है आपका, जो ब्यूटी और कॉस्मेटिक के सामान बेचते हैं, अगर आप उसकी कैटेगरी में कोई चैनल रखना चाहते हैं तो यहाँ भी उसकी कैटेगरी में रख सकते हैं।
और उसके बाद आपके पास कोई अगर स्टोर है तो आप स्टोर के फोटोग्राफर हैं तो फोटोग्राफर में रखनी है। उसके बाद शॉपिंग रिटेलर हैं तो उसमें रखनी है। उसके बाद लास्ट में आपको दिख जाएगा वीडियो क्रिएटर। अगर आप एक वीडियो क्रिएटर हैं, अगर आप वीडियो बनाते हैं तो अपनी कैटेगरी वीडियो में रख सकते हैं। तो वहाँ पे जिस कैटेगरी का आपकी वीडियो बनाते हैं आप उसी कैटेगरी को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, उसी कैटेगरी को रख सकते हैं। रखने के बाद क्या होगा, आपका वीडियो 100% वायरल होगा। जब तक आपकी सही कैटेगरी नहीं होती है तो आपका वीडियो वायरल नहीं होता है। तो वीडियो वायरल करने के लिए सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंट है कि हमारी कैटेगरी क्या होनी चाहिए। तो वीडियो वायरल जब होता है, जब आपकी कैटेगरी मेंटेन होती है, तो कैटेगरी मेंटेन करने के लिए सबसे पहले हम अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसी कैटेगरी के हम वीडियो बनाएंगे, तब जाके हमारे यहाँ पर वीडियो वायरल होंगे। तो कैटेगरी चेंज करने के लिए तो आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एक वीडियो क्रिएटर, तो ये वीडियो क्रिएटर वाला ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक आपको ऊपर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर लिखा होगा सेव चेंज करके, तो यहाँ पे आपको सेव कर देना है। जैसे आप सेव करेंगे आपकी कैटेगरी दोस्तों 100% चेंज हो जाएगी। और जब आपकी कैटेगरी चेंज हो जाएगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका वीडियो 100% जल्दी ही वायरल हो जाएगा। तो उसके बाद दोबारा टिक कर देना है और फिर से आपको इंस्टाग्राम अकाउंट पर आ जाएगा। तो आपकी इस तरीके से आप अपनी इंस्टाग्राम आईडी की कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। आपका वीडियो 100% वायरल होगा, ये मेरी 100% गारंटी है। क्योंकि मैं यहाँ पर वीडियो कोई डालता नहीं हूँ, क्योंकि मैं खाली मोटिवेशनल यहाँ पर फोटोज़ वगैरह डालता हूँ, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं यूट्यूब चैनल पर ही वर्क करता हूँ। तो आपका अगर आप इंस्टाग्राम के ज़्यादा शौकीन हैं तो आप इस चीज़ को ध्यान से रखिए और आपका वीडियो 100% वायरल होगा। तो आई होप वीडियो दोस्तों अच्छा लगा होगा और लाइक करके जाना दोस्तों। मिलते हैं गाइस ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो गाइस बाय बाय।